फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एपी का यहाँ पे है 5.3 का यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन का, इसका ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए है, ठीक है ना, और डी इज इक्वल टू यहाँ पे 8 दिया है, एंड यहाँ पर एस इज इक्वल दिया है 636, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू यहाँ पर 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या रखना है, जहाँ यहाँ पे एस एन है इसका जगह पे एस एन का स्थान पर हमको ये रख देना है, स्थान पर हमको क्या रखना है, यहाँ पे एन का नहीं दिया भेल तो नहीं रखना है, ठीक है ना। ए का यहाँ दिया है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू यहाँ पर 9, इसको 9 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू यहाँ पर 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ इसको बनाएंगे तो यहाँ एस एन है यहाँ पर कितना लिखाएगा 636, 636 जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक, एन का वैल्यू कितना नहीं दिया है तो एन बाई टू 2 इंटू यहाँ पर जाएगा 9, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर n का वैल्यू तो n यहाँ पर माइनस यहाँ पर 1, और फिर यहाँ d का वैल्यू 8 है तो यहाँ पर 8 दे देंगे। इसको बनाएंगे हो जाएगा 636 इज इक्वल टू यहाँ पर n बाई टू इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9 दुनी 18 प्लस यहाँ पर जाएगा 8n माइनस यहाँ पर 8, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम स्लॉट लेंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 636 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू यहाँ पर ये घट जाएगा तो कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा 18 में से यहाँ पे 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पर 8n, ठीक है। अब यहाँ फिर यहाँ लिखेंगे 636, ठीक है ना, यहाँ पे फिर ये 636 लिख देंगे, अब दो से सब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, दो से कॉमन करके सब भाग कर देंगे तो कितना जाएगा ये n इंटू बच जाएगा यहाँ पे 2 5 10 यानी 5 बचेगा प्लस यहाँ पे यहाँ 4 बच जाएगा यानी 4n बचेगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, अब नेक्स्ट टाइम पर क्या करना है, ये 636 है तो इसको लिखते चलेंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पे 636 इज इक्वल टू, अब यहाँ एन में 5 से करेंगे कितना यहाँ पे 5n, ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा प्लस 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 होता है यहाँ पे तो प्लस जाएगा, फिर ये गुना कितना जाएगा 4n² यहाँ पे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, इसको इधर ला देंगे यानी इधर प्लस में तो इधर माइनस में, माइनस में हो जाएगा 4n², इधर भी प्लस में तो इधर माइनस में आ गया यानी 5 - 5n इज इक्वल टू, इधर ये प्लस में है इधर तो उधर जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा यहाँ पर माइनस 636, क्लियर। और इसमें क्या करेंगे, सब में माइनस से गुना कर देंगे तो कितना बचेगा 4n² प्लस यहाँ पे 5n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 636, क्लियर। प्लस में माइनस में था तो प्लस में हो गया, अब इसको इधर खींच लेंगे यानी हो जाएगा यहाँ पर 4n², ठीक है, फिर यहाँ पर 5n आ इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस में हो जाएगा 636 एंड 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर वेयर का यहाँ पर मानना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ले देंगे वेयर, यहाँ पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू कितना जाएगा 4, ठीक है ना, अब बी इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 एंड यहाँ पर सी इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 636, ओके। अब यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा जिसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे या द्विघात सूत्र, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना, यानी क्वाड्रेटिक सूत्र से, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला कहीं दिया होगा द्विघात सूत्र से, ठीक। अब द्विघात सूत्र का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स होता है एक्स बराबर और माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा यहाँ पर 2a होता है, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब इससे फार्मूला रख के इसको बनाएंगे, आएंगे यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ माइनस बी है तो फिर यहाँ पर कितना जाएगा माइनस यहाँ पर 5ab यहाँ पर है तो यहाँ बी है जाएगा माइनस 5 फिर यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर फिर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 4ac तो माइनस यहाँ 4 फार्मूला में यहाँ पे तो 4 यहाँ पर a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया, c का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस 636, ठीक है भाई, यहाँ पर 2 है तो 2 फार्मूला में a का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया हुआ है 4 तो 4 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ चलेंगे, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और फिर यहाँ देखेंगे हो जाएगा माइनस फिर कितना 4 चुके यहाँ जाएगा 16 इंटू यहाँ पर माइनस 636, क्लियर भाई। यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
एक्स बराबर फिर यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव, फिर प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है ना। तो ये जाएगा 25 हो गया यहाँ पे, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब 16 से ये 636 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10176, क्लियर, बाई यहाँ पे 8। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस रूट अंडर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, एक हाथ में यहाँ पे कितना, एक आ गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 2 9, 1 10 0 हाथ में एक हो गया यहाँ पे, फिर 1 1 2 हो गया, फिर यहाँ 10 10 हो गया, ठीक है भाई। नीचे कितना यहाँ पे है, 8 है तो 8 लिख देंगे, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव प्लस माइनस, अब ये यहाँ पे तो यहाँ पे कितना है, 10 201 है यहाँ पर, तो ये 101 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे 101 निकल जाएगा, ठीक है, बटा यहाँ नीचे 8 आ जाएगा, क्लियर। अब इसमें एक काम को जोड़ देना है, एक यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है, तो एक यहाँ पे जोड़ देना है, एक यहाँ पे घटा देना है। तो फर्स्ट काम इसको जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 101 और 5 यहाँ पर कितना आएगा, 1 से 6, यानी x बराबर माइनस 106 आएगा यहाँ पे, बट्टा यहाँ पे 8 आ जाएगा। एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 96/8, क्योंकि यहाँ पर 105 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 96/8, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह जाता है तो प्लस रहेगा, ठीक। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अब ये कटेगा तो कितना, इसको कटाओ 2 से तो हो जाएगा एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस 53/4 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12/96, यानी यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी एन के मान नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन का वैल्यू एन इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12, तो इसका आंसर ही हो जाएगा 12, क्लियर, समझ में आ गया।